इनकी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं और डॉक्टर चौहान से ही बात हो चुकी है। इनकी हालत में डेफिनेटली सुधार है। बाकी मुझे भी लगता है कि अगर उस इंसान को पेशेंट के सामने लाया जाए तो इनकी पुरानी यादें भी लौट सकती हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर? उसी की, जिसे देखकर राशि आपे से बाहर हो जाती है, जिसे पहचानने की कोशिश करती है, कुछ कहने की कोशिश करती है। अलाहाबाद के अस्पताल में मिला था वो शख्स, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम? ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? विक्रम तो इतने साल बनारस के बाहर था, राशि तो उसे जानती तक नहीं। यही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है शंकर। लेकिन जिस तरह राशि ने विक्रम को देखकर हुड़दंग मचाया, उससे एक बात साफ जाहिर है कि राशि विक्रम को कहीं ना कहीं तो मिली है। कब, कहां, कैसे, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कोई कड़ी है राशि की जो विक्रम से जुड़ी है। माँ, अगर बात ऐसी है तो हमें विक्रम से बात करनी चाहिए। हम वो कोशिश भी कर चुके हैं सानिया। मैंने विक्रम से बात की थी। विक्रम ने राशि को ठीक से तो नहीं पहचाना, पर उसने कहा कि शायद उसने राशि को कहीं देखा है। झूठ बोल रहा होगा वो। मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। शंकर, हमें विक्रम के बारे में सब पता लगाना चाहिए। लेकिन सानिया, उस वक्त वो दिल्ली में था। तो अम्मा, हम दिल्ली जाकर पता लगाएंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं? ठीक कह रहे हैं शंकर अम्मा। जब तक हमें सारी बातें पता नहीं लग जाती, सिवाय इंतजार के हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर, लेकिन बाबूजी को कुछ मत बताना। पता नहीं इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना अम्मा? ठीक है भाभी, मैं दिल्ली के लिए अभी निकल जाता हूँ। विक्रम के बारे में सब कुछ पता लगा कर ही लौटू। आखिर मेरी बहन को घर लाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूँ, चाहे मुझे विक्रम के आगे गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े।